के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में गोरखपुर बस्ती व आजमगढ़ मंडल के संयुक्त खरीफ गोष्ठी और कृषि निवेश मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन ने किया उद्घाटन। किसानों के विभिन्न समस्याओं और निस्तारण पर हुई चर्चा। संपादक विहीन बना गोरखपुर का आकाशवाणी केंद्र कैजुअल समाचार वाचक किससे करे मन की बात, अब लखनऊ से ही तय होगा हेडलाइन और की जाएगी खबरों की मॉनिटरिंग। राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने चौरी चौरा मलौनी लहसड़ी और बांसगांव स्थित सहित कई बांध और कटान स्थल का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिया उचित दिशा निर्देश। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, एम्बुलेंस में ले जा रहे करोड़ों के चरस बरामद, दो शातिर हुए गिरफ्तार। दलितों के उत्पीड़न के मामले में बहुजन समाज पार्टी ने सौंपा एडीजी को ज्ञापन, एडीजी ने कहा किसी के साथ नहीं होगी नाइंसाफी, लेकिन दोषी बख्शे भी नहीं जाएंगे। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई रेंटे विभाग के अधिकारियों की बैठक, बकायेदारी वसूलने के लिए बनाई गई रणनीति। जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन ने विभिन्न विभागों को एक साल में 6,17,400 वृक्ष लगाने का दिया लक्ष्य। जल्द ही चलेगा रेलवे स्टेशन के पास 40 वर्षों से बसे बंजारा बस्ती पर प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रहे हैं सालों से कब्जेदारी। भारतीय जनता पार्टी के गोरख प्रांत की क्षेत्रीय कमेटी के सदस्यों को किया गया सम्मानित, अपने दायित्व के प्रति सतर्क रहने की दी गई सलाह। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंडलायुक्त से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं पेड़ों से बीच गुजरे बिजली के तार, संबंधित विभागीय अधिकारी दिख रहे हैं बेपरवाह। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने निकाला मोटरसाइकिल रैली, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा कलमबद्ध हड़ताल। गोरखपुर विश्वविद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने बुधवार से की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंध संघ ने जुलूस निकालकर किया भिक्षाटन। और धर्मशाला बाजार चौकी इंचार्ज की पहल पर पुलिस संस्था हम है ना का पुलिस कप्तान ने किया उद्घाटन, का सामाजिक सरोकार में अलग पहचान बनाएगी ये संस्था।